यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बैठे ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर वन का, जो मार्केटिंग का हमारा चैप्टर नंबर वन है, उसके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम जो है वो है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस एंड द वैल्यू चेन, जो माइकल पोर्टर ने प्रोपाउंड किया था, जिसके अंदर 9 एक्टिविटीज आती हैं, तो उन सबके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है वो CRM का टॉपिक कर लिया था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, उसका एक छोटा सा पॉइंट होता है, ठीक है, कस्टमर टच पॉइंट्स का, तो वो आज क्लास के अंदर वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मार्केटिंग और कस्टमर वैल्यूज के बारे में, और साथ में पढ़ेंगे वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस एंड वैल्यू चेन के बारे में। ओके हाँ जी सर, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप भी अपकमिंग नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है नेट का पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों की कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग भी है। तो हमारे ऑनलाइन कोचिंग के अंदर बेसिकली क्या है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर आपके डोर स्टेप पे, घर पे बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो वीडियोज आएंगी, जिसको आप मोबाइल पे या टैब के ऊपर चला सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है हमारी, ठीक है। और इसके अंदर आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 कॉमर्स के, साथ में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल। जैसे अभी हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये मार्केटिंग की बुक है, इसी तरीके से आपको 10 के 10 यूनिट्स की जो है वो बुक मिलेगी। बढ़िया तरीके से हमने इसको फ्रेम किया हुआ है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को इसके अंदर हमने डाला हुआ है, तो आपको बिल्कुल वरी होने का जरूरत नहीं है कि मेरे को इसके अलावा कुछ और पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ भी पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये कीजिए, सेल्फ सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ओके हाँ जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके हाँ जी, चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे पहले क्या, मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू क्या, मार्केटिंग एंड कस्टमर वैल्यू बेसिकली है क्या। देखो आजकल जो मार्केटिंग का शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, तो मैंने आपको बोला वो क्या, डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवाना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बोलते हैं मार्केटिंग इन्वॉल्व, मार्केटिंग अंदर क्या आता है, सेटिस्फाइंग करना कस्टमर नीड एंड वॉन्ट। मार्केटिंग के अंदर क्या आता है, मार्केटिंग में आएगा कि हम किस तरीके से कस्टमर की नीड एंड वॉन्ट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। द टास्क ऑफ एनी बिजनेस इज टू डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट ए प्रॉफिट वाइल बींग सोशली रिस्पॉन्सिबल। बोलते हैं हर बिजनेस का अपना एक टास्क होता है, हर बिजनेस की अपनी एक प्रपोजिशन है बेसिकली, वो क्या है कि वो अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, और इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा कि एक तो वो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, कुछ भी गलत ना हो, इलीगल ना हो, और साथ में कंपनी वैल्यू जब प्रोवाइड करवाएगी कस्टमर को, तो कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा हो। बोलते हैं इन ए हाइपर कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी विद इंक्रीजिंगली रैशनल बायर्स फेस विद अबंडेंट चॉइसिस, ए कंपनी कैन विन ओनली बाय फाइन ट्यूनिंग द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। बोलते हैं आज के कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का एरा चल रहा है, जिसके अंदर बेसिकली बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट के आप देखिएगा कितने सारे लोग जो है उसके कॉम्पिटिशन के अंदर उतर आए हैं, तो वहां पे एक कंपनी तभी जीत सकती है अगर वो प्रॉपर वे में जो है वो वैल्यू डिलीवर करवाती है अपने कस्टमर को, और कस्टमर की लॉयल्टी को गेन करती है, एंड चूजिंग प्रोवाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग द सुपीरियर वैल्यू। बोले तो अगर आपको कॉम्पिटिशन को बीट करना है, अगर आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो है अपनी वैल्यू, सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी और कस्टमर को डिलीवर करनी पड़ेगी। चलो जी, बोलते हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो इसके दो फेजेस है, एक है आपका ट्रेडिशनल व्यू और एक है आपका मॉडर्न व्यू। सबसे पहले बात करूंगा ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू क्या बोल रहा था, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द मार्केटिंग इज दैट द फर्म मेक्स समथिंग, इसके अंदर क्या होगा, फर्म जो है वो क्या करेगी, मेक्स समथिंग एंड देन सेल्स इट। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मार्केटिंग जो है वो ये बोलता है कि फर्म क्या करेगी, कुछ चीज बनाएगी और फिर इसको क्या करेगी, बेचेगी। इन दिस व्यू मार्केटिंग टेक प्लेस इन द सेकंड हाफ, यहां पे मार्केटिंग जो है वो कहां पे होती है, सेकंड हाफ में, जब सामान को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। यहां पे बेसिकली जो है वो मार्केटिंग टास्क, यहां पे हम लोग जो है वो मार्केटिंग टास्क हम परफॉर्म करते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, ट्रेडिशनल व्यू जो है मार्केटिंग का वो क्या है, इज दैट द फर्म मेक्स समथिंग, फर्म जो है वो क्या करेगी, मेक्स समथिंग, कुछ बनाएगी एंड देन उसको क्या करेगी, बेचेगी। तो ट्रेडिशनल व्यू यही बोलता था कि बनाओ और बना के क्या करो, बेचो। जब आप बेचने जाओगे तो वहां पे बेसिकली आप मार्केटिंग टास्क थोड़ा बहुत परफॉर्म करोगे, ठीक है।
कंपनी डेट सब्सक्राइब टू इट्स टू दिस व्यू हैव द बेस्ट चांस ऑफ सक्सीड इन दिस इकोनॉमी विच इज मार्क्ड बाय गुड्स शॉर्टेज वेयर कंज्यूमर आर नॉट फ्यूजी अबाउट द क्वालिटी फीचर और स्टाइल। अब बोला गया यहां पे क्या भाई साहब, ये ट्रेडिशनल व्यू जो है वो आपका वही काम करेगा, ट्रेडिशनल व्यू आपका वही काम करेगा जहां पे गुड्स की क्या एक ऐसी इकोनॉमी में काम करेगा जहां पे गुड्स की शॉर्टेज है, जहां पे कस्टमर क्वालिटी को, जहां पे कस्टमर फीचर्स को, जहां पे कस्टमर स्टाइल को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, वहां पे आपका ट्रेडिशनल व्यू जो है काम कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो कस्टमर जो है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे कस्टमर, जैसे आज की हम अपने इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो कस्टमर फीचर्स भी देखता है, कस्टमर जो है क्वालिटी भी देखता है, कस्टमर स्टाइल भी देखता है, तो वहां पे आपका ट्रेडिशनल व्यू जो है वो काम नहीं करेगा। क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू तो बेसिकली ये बोलता है कि प्रोड्यूसर अपने हिसाब से सामान बनाएगा और मार्केट में जाके क्या करेगा, सेल करेगा। बोले तो सामान जो बनेगा वो सेलर ओरिएंटेड बनेगा, लेकिन आज की डेट में वही सामान मार्केट में बिकेगा जो कस्टमर ओरिएंटेड है, सेलर ओरिएंटेड सामान मार्केट के अंदर सेल नहीं होगा। ओके हाँ जी, तो क्या बोलते हैं, This traditional view of the business process, however, will not work in the economies where people face abundant choices. There, the mass market is actually splintering into the numerous micro market. बोलता है यहाँ पे आज की डेट में हम जो है वो क्या करते हैं कि मास मार्केट को हमने क्या कर दिया, अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। इज एक्चुअली splintering. स्प्लिंट का मतलब क्या, बांट दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, इनटू द नंबरस माइक्रो मार्केट, ईच विद इट्स ओन वोंट, हर एक की अपनी एक वोंट है, परसेप्शन है, प्रेफरेंस है एंड बाइंग क्राइटेरिया। द स्मार्ट कॉम्पिटिटर मस्ट डिजाइन एंड डिलीवर ऑफरिंग फॉर वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट। जो स्मार्ट कॉम्पिटिटर है वो उसको क्या करना चाहिए, मस्ट डिजाइन करना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए ऑफरिंग्स फॉर वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट के लिए। दिस रियलाइजेशन इंस्पायर्ड ए न्यू व्यू ऑफ बिजनेस प्रोसेस दैट प्लेस मार्केटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग। तो बोलता है अब जो नया फेज आया इसके अंदर मार्केटिंग जो है वो क्या, सामान को बनाने से पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ एम्फेसाइजिंग द मेकिंग एंड सेलिंग, कंपनी नाउ सी देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। अब वो सिस्टम नहीं चलेगा कि बनाओ और बेचो, ऐसा नहीं, अब बनाने से पहले पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। बोले तो कस्टमर के बारे में पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, कस्टमर की नीड, कस्टमर की वॉन्ट्स, इन सब के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। देन उसके बाद सामान को बनाएंगे, देन आप सामान को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, वैल्यू को डिलीवर करके, एंड देन फिर आप जो है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशनिंग को क्रिएट करेंगे। बेसिकली यहां पे जो है अब क्या है, पहले ट्रेडिशनल व्यू में बस ये था सामान बनाओ बेचो, मतलब सामान सेलर ओरिएंटेड बनता था, लेकिन अब जो सामान बनेगा वो कस्टमर ओरिएंटेड बनेगा। ओके हां जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो जी, आपको मिलेगा ट्रेडिशनल फिजिकल प्रोसेस सीक्वेंस। इसमें क्या, दो ही चीज है, एक है क्या, पहला तो क्या मेक द प्रोडक्ट और दूसरा सेल द प्रोडक्ट। मेक द प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट का डिजाइन जो है वो फाइनल करो, फिर उसको परचेस करो, प्रोक्योरमेंट करो, देन उसको बनाओ। पहले आपने क्या किया, डिजाइन किया प्रोडक्ट को, देन उसके लिए मटेरियल को परचेस किया, देन बना दिया। ये तो हो गया मेक द प्रोडक्ट। अब उसके बाद में क्या करना है, सेल। सेल के अंदर आप क्या करोगे, प्राइसिंग डिसाइड किया, उसको बेचा, एडवर्टाइजमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, सर्विस किया, ठीक है। ये दो ही चीज है, ये ट्रेडिशनल व्यू है, ये ऐसी इकोनॉमी में काम करता है ट्रेडिशनल व्यू, जहां पर क्या है, जहां पर गुड्स की शॉर्टेज है। लेकिन एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स का शॉर्टेज नहीं है, वहां पे आपका ट्रेडिशनल व्यू काम नहीं करेगा, क्योंकि आज के डेट में कॉम्पिटिशन बहुत ही बढ़ गया है। तो उस मोमेंट पे जाकर के आपको कस्टमर के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और वहां पे जो व्यू काम करेगा, दैट व्यू इज नोन एज द वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी प्रोसेस, जो मॉडर्न व्यू बोलते हैं जिसको हम लोग क्या। तो अब यहां पे सामान को बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सामान को बनाने से पहले आपको पहले स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी पड़ेगी, उसके बेस पर सामान आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो अब जो आ गया वो क्या आ गया, अब देखो वैल्यू क्रिएशन डिलीवरी सीक्वेंस में चूज दी वैल्यू, सबसे पहले क्या, चूज द वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, कस्टमर को सेगमेंट में डिवाइड किया, देन मार्केट सिलेक्शन किया, देन वैल्यू पोजीशनिंग किया। कस्टमर के माइंड में जो वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो वो आपने पोजीशनिंग कर लिया, यहां तक सामान अभी तक नहीं बना, ठीक है। इसको बोलते चूज द वैल्यू, सबसे पहले आपने वैल्यू का सिलेक्शन किया, वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या किया, प्रोवाइड द वैल्यू। अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट को डेवलप किया या सर्विस का डेवलपमेंट किया, देन उसका प्राइसिंग सेट किया, देन आपने जो है
आउटसोर्सिंग कुछ करनी है तो वो, एंड देन आपने जो है वो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम किया। अब उसके बाद में अब जो है वो क्या होगा, अब आप कम्युनिकेट करेंगे अपनी किसको, वैल्यू को कम्युनिकेट। द वैल्यू के अंदर जो है वो क्या आएगा, सेल फोर्स जो है या सेल प्रमोशन एडवर्टाइजिंग, इसके थ्रू आपने अपनी वैल्यू के बारे में कस्टमर को नॉलेज प्रोवाइड की। ये इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी प्रोसेस, जिसके अंदर सबसे पहले वैल्यू को चूज किया जाएगा, देन फिर वैल्यू को प्रोवाइड किया जाएगा, देन वैल्यू को डिलीवर किया जाएगा। इस पूरे ये जो प्रोसेस है आपका, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और एक है कौन सा, टैक्टिकल मार्केटिंग। अगर बात करूंगा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का, तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग को ही बोलते हैं हम लोग क्या, होमवर्क करना। क्या करना, होमवर्क करना। बोले तो जो आपने सामान बनाया, सामान को बनाने से पहले आपको उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। देन होमवर्क करने के बाद में आप सामान को बनाएंगे और फिर उसको डिलीवर करने का काम करेंगे। ओके हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं द वैल्यू क्रिएशन एंड द डिलीवरी सीक्वेंस कैन बी डिवाइड इनटू थ्री फेज। कितने फेज में डिवाइड किया, तीन फेजेस में। सबसे पहला द फर्स्ट फेज, चूजिंग द वैल्यू। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज प्रोवाइड करनी है। देन इट रिप्रेजेंट द होमवर्क मार्केटिंग, इसको बोलते हैं क्या, होमवर्क मार्केटिंग। मस्ट डू बिफोर एनी प्रोडक्ट एग्जिस्ट, ये सबसे पहले किया जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले आप ये काम करते हैं, जिसके अंदर आप लोग जो है वो क्या करेंगे, चूज करेंगे किसको, वैल्यू। The marketing staff must segment the market. जो marketing staff है वो क्या करेगा, market को पहले segment करेगा, सिलेक्ट करेगा appropriate target market, जो भी आपके target market उसको select करेंगे, and develop करेगा offering value positioning, इसको बोलते हैं STP, segmentation targeting and positioning। The formula STP is the essence, जो ये जो formula है STP, ये essence है किसका, strategic marketing। तो जो आपके strategic marketing है उसका main जो essence है वो यही है आपका क्या, STP, segmentation targeting and positioning। आगे once the business unit has chosen the value, एक बार business unit ने अगर अपने value को क्या कर लिया, select कर लिया, सेकेंड फेज इज प्रोवाइडिंग द वैल्यू, तो दूसरा फेज जो है वो क्या है, वैल्यू को क्या करना, प्रोवाइड करना। मार्केटिंग मस्ट डिटरमाइन स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आपने वैल्यू को क्या कर लिया, प्रोवाइड कर दिया, मान लीजिए आपने क्रिएट कर लिया, देन उसके बाद में अब आपको क्या करना है, उसको उसके बारे में कम्युनिकेट करना है। द टास्क इन द थर्ड फेज, थर्ड फेज में जो टास्क रहने वाला है वो क्या, इज कम्युनिकेटिंग, क्या, कम्युनिकेट द वैल्यू बाय यूटिलाइजिंग द सेल फोर्स, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड अदर कम्युनिकेशन टूल टू अनाउंस एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। ईच ऑफ दिस वैल्यू फेजेस हैज कॉस्ट इंप्लीकेशन, हर एक में तीनों फेज के अंदर जो है वो क्या है, कॉस्ट इंप्लीकेशन है। इट इज ऑल्सो द केस डेट द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस बिगिन बिफोर देर इज ए प्रोडक्ट एंड कंटिन्यू वाइल इट इज बींग डेवलप्ड एंड आफ्टर इट बिकम्स अवेलेबल। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। क्या बोलेंगे, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। तो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में तीन जो है वो आपके स्टेजेस है। एक तो है क्या, सबसे पहले वैल्यू को क्या करना, चूज करना, देन वैल्यू को क्या करना, प्रोवाइड करना, देन वैल्यू के बारे में क्या करना, कम्युनिकेशन करना। तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों के अंदर, जैसे मान लो कोई एक एक्टिविटी उठा के दे देगा, बोलेगा एसटीपी सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग, वो किसका पार्ट है, वो आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का पार्ट है या टेक्टिकल का पार्ट है, या वो चूज द वैल्यू का पार्ट है या वो प्रोवाइड द वैल्यू का पार्ट है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन पॉइंट्स के बारे में, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो किस सेगमेंट के अंदर आ रहा है। ओके हाँ जी, तो अब इस तरीके से काम होता है। अब है जी एक वैल्यू चेन, अगर मैं बात करूंगा वैल्यू चेन का, तो वैल्यू चेन बेसिकली माइकल पोर्टर जो है उन्होंने डिफाइन किया, और उन्होंने जो है एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूं वैल्यू चेन का, तो वैल्यू चेन के अंदर जो है वो बेसिकली क्या है, बिजनेस के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, बेसिकली बिजनेस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज, उसको ना इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक एक्टिविटी है जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइम एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और एक है आपके कौन सी, सपोर्टिव, कौन सी, सपोर्टिव। उन्होंने क्या किया, बिजनेस के अंदर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो एक बिजनेस के अंदर परफॉर्म होने वाली एक्टिविटीज को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, मेन एक्टिविटी जिसको कोर एक्टिविटीज बोलते हैं, और एक है आपकी सपोर्टिंग। ओवरऑल मिला के एक्टिविटी को 9 पार्ट्स में बनाया गया है, जिसमें से 5 तो है जी आपकी प्राइमरी और 4 जो है वो क्या है जी आपका सपोर्टिव एक्टिविटी है। कौन सा, सपोर्टिव है, ठीक है। तो ये बेसिकली माइकल पोर्टर ने जो है वो प्रोपाउंड किया है। अब हम देखते हैं एक बार इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, देन आपको समझ में आएगा। और इस पूरे को बोलते हैं वैल्यू चेन। क्या बोलते हैं, माइकल पोर्टर ऑफ द हार्वर्ड हैज प्रपोज्ड द वैल्यू चेन एज ए टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द वे टू क्रिएट मोर कस्टमर वैल्यू।
अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एवरी फॉर्म इज ए सिंथेसिस, हर फॉर्म जो है वो सिंथेसिस है। सिंथेसिस का मतलब यहां पे क्या, कॉम्बिनेशन है किसका, ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म टू डिजाइन प्रोड्यूस मार्केट डिलीवर एंड सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। द वैल्यू चेन आइडेंटिफाई 9, वैल्यू चेन ने आइडेंटिफाई किया कितना, 9 स्ट्रेटजिकली रेलिवेंट एक्टिविटी, 9 एक्टिविटी को उसने जो है वो क्या किया, आइडेंटिफाई किया। 5 जो है वो तो है प्राइमरी एंड 4 जो है वो क्या है सपोर्टिव। 5 आर द प्राइमरी एक्टिविटी, 4 आर द सपोर्टिव एक्टिविटी दैट क्रिएट वैल्यू एंड कॉस्ट इन द स्पेसिफिक बिजनेस। द प्राइमरी एक्टिविटीज आर इनबाउंड लॉजिस्टिक, प्राइमरी के अंदर कौन कौन से आएंगे, 5 एक्टिविटी आएगा, कौन कौन सा 5, एक आएगा जी इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब इनबाउंड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सामान लेके आना, इन एक होता है इनबाउंड एक होता है आउटबाउंड। लॉजिस्टिक मतलब सामान हो गया, इनबाउंड का मतलब क्या हो गया, बाहर से सामान कंपनी में लेके आना, और आउटबाउंड का मतलब क्या हो गया, कंपनी से सामान बाहर लेकर जाना। तो बोलता है प्राइमरी एक्टिविटी में आपकी क्या क्या आने वाला है, 5 एक्टिविटी है। सबसे पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब बाहर से रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर लेकर आना और ब्रिंगिंग मटेरियल इनटू द बिजनेस। दूसरी जो एक्टिविटी है वो है जी क्या, ऑपरेशंस। क्या ऑपरेशन, जो आपका रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना किसमें, फिनिश गुड्स में, दैट सेकंड एक्टिविटी इज नोन एज अ ऑपरेशन और कन्वर्टिंग देम इनटू फाइनल प्रोडक्ट। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है जी आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक, जो फिनिश प्रोडक्ट कंपनी के अंदर बन चुका है उसको बाहर लेकर जाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, और शिपिंग आउट द फाइनल प्रोड्यूस। फिर चौथी जो एक्टिविटी है वो है क्या, मार्केटिंग। क्या करना, मार्केटिंग, जो सामान आपने बना लिया उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, उसको बोलते हैं क्या, मार्केटिंग, एंड विच इंक्लूड द सेल्स सर्विसिंग देम। ये सब आ गया, ये सब एक्टिविटी जो है वो किसका पार्ट है जी आपका, ये सब आपकी जो है वो पार्ट है किसका, प्राइमरी एक्टिविटी का, किसका प्राइमरी। तो प्राइमरी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो प्राइमरी के अंदर जो है वो आपकी 5 एक्टिविटी आ रही है। सबसे पहले इनबाउंड मटेरियल को कंपनी में लेके आना, फिर प्रोसेसिंग ऑपरेशन जिसमें क्या, मटेरियल को रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, देन आउटबाउंड, आउटबाउंड के अंदर बेसिकली क्या आएगा, आउटबाउंड के अंदर आएगा क्या कि जो फिनिश गुड्स है उसको बाहर लेकर जाना, कस्टमर तक पहुंचाना, फिर मार्केटिंग, लोगों को क्या करना, इंड्यूस करना, लोगों को जो है वो क्या करना, प्रेरित करना कि वो आपके सामान को क्या करें, परचेस करें, देन सर्विस। 5 एक्टिविटी सर्विस है, सर्विस बोले तो जिसमें आप कस्टमर को जैसे जो है वो सेल के बाद में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि कस्टमर आपके पास से बना रहे, जैसे आफ्टर सेल सर्विस हो गया, वारंटी हो गया, गारंटीज हो गया, दीज ऑल आर नोन एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये 5 एक्टिविटी जो है कौन कौन सा, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सर्विस, इनको बोलते हैं आप लोग क्या, प्राइमरी एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी, और इसके अलावा जो 4 एक्टिविटी है उसको बोलेंगे आप लोग क्या, सपोर्टिव एक्टिविटी। आओ एक बार देखते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया कौन सा, प्राइमरी, ये मार्केटिंग, एंड उसके बाद में क्या आएगा, सर्विसिंग। तो ये 5 एक्टिविटीज नोन एज द प्राइमरी एक्टिविटी। इसके बाद सपोर्ट एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा, 4। सपोर्ट एक्टिविटी बोले तो प्रोक्यूरमेंट, कंपनी के लिए कोई भी सामान परचेस करना, डेट इज नॉट द प्रोक्योरमेंट, फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 जो एक्टिविटी है, कौन कौन सा, प्रोक्योरमेंट, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है और आ भी सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है और कौन कौन सी सपोर्टिंग का पार्ट है। तो सपोर्टिंग में क्या आएगा, एक है आपका प्रोक्योरमेंट, एक है आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एक है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर आर हैंडल्ड इन द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। इन सबको जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। The firm in infrastructure cover the cost of general management, planning, finance, accounting, legal and the government affairs. अब ये आपको दे रखा है, देखो ये आपको जो है वो बता रखा है, कुछ आपकी प्राइमरी एक्टिविटी आप कितनी, 5, और सपोर्टिव के अंदर जो आएगा वो टोटल मिला के जो है वो आएगी कितनी, 4। एक है प्रोक्योरमेंट, कंपनी के अंदर कोई भी सामान को परचेस करना है, डेट एक्टिविटी इज नोन एज अ प्रोक्योरमेंट। सेकंड इज अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, 3rd वन इज अ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे करेंगे, एंड 4th वन इज अ फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक अकाउंटिंग वोटिंग हो गया, ये सब अकाउंटिंग जो है वो पार्ट है किसका, फर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं, तो हमने यहां पे क्या किया कि वैल्यू चेन के अंदर आने वाली एक्टिविटीज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वन इज अ प्राइमरी, अनदर इज अ सपोर्टिंग। प्राइमरी के अंदर टोटल मिला के 5, सपोर्टिंग में टोटल मिला के 4, थोड़ा रट्टा मार के जाना पड़ेगा। आइए बोलते हैं द फर्म टास्क, फर्म का जो मेन काम है वो क्या, इज टू एग्जामिन, फर्म का यहां पे मेन काम जो बनता है वो क्या, इज टू एग्जामिन इट्स कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस इन ईच वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी एंड टू लुक फॉर वेज टू इंप्रूव इट, और यहां पे देखना कि किस तरीके से आप अपनी वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। मैनेजर शुड एस्टिमेट देयर कॉम्पिटिटर कॉस्ट, मैनेजर जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए क्या, कॉम्पिटिटर की कॉस्ट को, एंड परफॉर्मेंस एज बेंचमार्क अगेंस्ट विच टू कंपेयर देयर ओन कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस, एंड दे शुड गो फर्दर एंड स्टडी द बेस्ट ऑफ क्लास प्रैक्टिस टू ऑफ द वर्ल्ड क्लास कंपनी। द फर्म सक्सेस डिपेंड नॉट ओनली ऑन
ऑन हाउ वेल ईच डिपार्टमेंट वर्क इट्स परफॉर्म इट्स वर्क। यहाँ पे कंपनी का जो मेन टास्क है वो ये नहीं देखना कि हर डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, बल्कि ये चेक करना होता है कि हर डिपार्टमेंट क्या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में जो है वो कोरिलेट करके काम कर रहा है या नहीं। बट ऑल्सो ऑन हाउ वेल द कंपनी कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटी टू कंडक्ट द कोर बिजनेस प्रोसेस। आगे अब है जी, कोर बिजनेस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कोर बिजनेस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो टोटल मिला के यहां पे 5 एक्टिविटीज हैं जिसको कोर बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो है वो डाला गया है। सबसे पहला आता है यहां पे क्या, मार्केट सेंसिंग प्रोसेस। अगर मैं बात करूंगा मार्केट सेंसिंग प्रोसेस का, तो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट सेंसिंग, मार्केट को सेंस करना, इसका मतलब मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में क्या करना, नॉलेज गेन करना। ऑल द एक्टिविटी इन गैदरिंग, वो सारी एक्टिविटी जिसमें आप क्या करेंगे, गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे क्या, मार्केट के बारे में इंटेलिजेंस, मार्केट के नॉलेज आप गेन करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे, उसको क्या करेंगे प्रोवाइड, डिसेमिनेशन का मतलब क्या करना, प्रोवाइड करना, किसको प्रोवाइड करेंगे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन संस्था के लोगों को बताएंगे, एंड एक्टिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर करी है उनके ऊपर वर्किंग करेंगे। लाइक मान लो आपको जो है वो आपने इंफॉर्मेशन गेन किया कि कस्टमर आज की डेट में जो है वो ऐसा एसी पसंद कर रहा है जिसके अंदर जो है वो एफिशिएंसी, जो उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत ही क्या, वो मिनिमम हो, ठीक है, कस्टमर ये चाह रहा है, तो आपने ये इंफॉर्मेशन गेन किया, तो जैसे इंफॉर्मेशन आपने गेन किया, अब आपका टास्क क्या बनता है, आप ये बात जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बताओ कि भाई साहब ऐसा एसी बनाना है अपने को, कैसा ऐसा, अरे कैसा ऐसा, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या लगे, बहुत कम से कम लगे। तो ये जो बात, इसको बोलते हैं क्या, मार्केट को क्या करना, सेंस करना, मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करने है, कर लिया। देन द न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, अब आप क्या करेंगे, न्यू ऑफरिंग जो नई जो आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं उसको क्या करें, रियलाइजेशन प्रोसेस अपनाएंगे, बोले तो ऑल द एक्टिविटी इन रिसर्चिंग, वो सारी एक्टिविटी नए प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एंड लॉन्चिंग न्यू हाई क्वालिटी ऑफरिंग क्विकली एंड विद इन द बजट, कर लिया। फिर कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, वो सारा आप काम करेंगे, मतलब कस्टमर एक्विजिशन के अंदर आप क्या टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पे जितने भी आपके टारगेट मार्केट में आने वाले कस्टमर है उनको इंड्यूस करेंगे कि वो आपके सामान को परचेज करें। ऑल द एक्टिविटी, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आएंगी इन डिफाइनिंग द, जिसमें आप डिफाइन करेंगे पहले किसको, टारगेट मार्केट को, एंड प्रोस्पेक्टिंग फॉर द न्यू कस्टमर। देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस आएगा, इसमें आप क्या करेंगे, वो सारी एक्टिविटी इन बिल्डिंग द डीपर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड ऑफरिंग टू द इंडिविजुअल कस्टमर, उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। एंड लास्ट इज द फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑल द एक्टिविटीज इन रिसीविंग एंड अप्रूविंग द ऑर्डर, शिपिंग द गुड्स ऑन टाइम एंड कलेक्टिंग द पेमेंट, ये सारा काम जो है वो आएगा क्या, फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस का। स्ट्रॉन्ग कंपनीज आर री इंजीनियरिंग देयर वर्क फ्लो, जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो क्या करती है, अपने वर्क फ्लो को री इंजीनियर करती हैं, एंड बिल्डिंग क्रॉस फंक्शनल टीम, और क्रॉस फंक्शनल टीम को बिल्ड करती हैं टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच प्रोसेस, ठीक है। जैसे आजकल क्या हो गया, देखो सामान बनाने का काम तो किसी और का है, ऑर्डर लाने का काम किसी और का है, ऑर्डर कोई लाएगा, फिर सामान कोई और बनाएगा, डिलीवर कोई और करेगा। अब अगर तीनों में से कोई भी पर्सन ने अगर चीट किया तो क्या कंपनी का रेपुटेशन खराब हो गया, नहीं होगी, मतलब ऑर्डर लाने वाला बहुत बढ़िया था, इमीडिएटली ऑर्डर लाया, उसने जो है वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको दे दिया, बोला जी सामान बनाओ जल्दी से, कस्टमर को चाहिए, प्रोडक्शन वाले सामान जल्दी से बनाया, लेकिन डिलीवरी वाले ने क्या किया, लेट कर दिया, तो क्या पूरी कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा, नहीं होगा, होगा। तो इसके लिए आजकल जो है वो कंपनी क्या करती है कि इन तीनों डिपार्टमेंट को एक साथ जो है उनको क्या कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन इन द सेंस ये भाई डिपार्टमेंट तो अभी भी प्रोडक्शन ही है, डिपार्टमेंट अभी भी डिलीवरी वाला है, डिपार्टमेंट अभी भी वो ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला है, लेकिन कंबाइन का मतलब क्या, इन तीनों लोगों को आपस में क्या कर दिया, लिंकअप कर दिया, जिससे क्या होगा कि हर एक पर्सन को पता होगा कि कितने समय के अंदर मुझे जो है काम करना है और कौन फेलियर है, कहां पे फेलियर है। उसके लिए कंपनी आजकल क्या करती है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाती हैं। क्रॉस फंक्शनल का मतलब अलग अलग फंक्शंस के लोग जो है, अलग अलग फंक्शंस बोले तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, या वो सारे लोग जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते थे उनको एक साथ ले आए, जिससे क्या होगा, सभी लोग अगर मान लीजिए मिलकर अगर काम करेंगे तो कस्टमर जो है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर को बढ़िया चीज मिलेगी, अच्छी वैल्यू मिलेगी, तो नेचुरल बात है कस्टमर आपके पास बना रहेगा। तो उसके लिए आजकल जो है वो क्या किया गया,
जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उन्होंने री इंजीनियर कर दिया अपने वर्क फ्लो को, अपने काम को री इंजीनियर किया और उन्होंने बिल्ड किया एक क्रॉस फंक्शनल टीम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच प्रोसेस, जिसको रिस्पॉन्सिबल किया गया हर एक प्रोसेस के लिए, मतलब एक टीम बना दिया और उस टीम को बोल दिया तुम्हारी ड्यूटी है ऑर्डर को प्रोसेस करना, सामान बनवाना और फिर आगे पहुंचवाना तुम्हारी ड्यूटी है, अगर कहीं पर लैक हो गया तो आप उसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया, जैसे जीरोक्स एक कंपनी है, जीरोक्स ए कस्टमर ऑपरेशन ग्रुप उसने बनाया है जिसको लिंक किया गया सेल के साथ में, शिपिंग के साथ में, इंस्टॉलेशन के साथ में, सर्विस के साथ में एंड बिलिंग, सो दिस एक्टिविटी वर्क स्मूथली इनटू वन अनदर। जैसे क्या, जैसे ये जीरोक्स कंपनी है जो बेसिकली टाइपराइटर और ये क्या बोलते हैं अपना फोटोकॉपी बनाने का काम करती है, मशीन को बनाने का, तो इसमें एक ग्रुप बनाया गया जिसको बोलते हैं हम क्या कस्टमर ऑपरेशन ग्रुप, और इसको लिंक कर दिया किसी साथ सेल के साथ में, भाई बेचने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है, शिपिंग सामान पहुंचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी, वहां पे कस्टमर के वर्क प्लेस पे उसको इंस्टॉल करने की जिम्मेवारी तुम्हारी, सर्विस प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी तुम्हारी और बिलिंग करने की भी जिम्मेवारी तुम्हारी है। अब इससे क्या होगा, जब सारा काम जो है वो एक ही पर्सन के अंडर आ जाएगा तो नेचुरल बात है उसको दोषी ठहराना भी ईजी रहेगा और उसको आप हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठहरा सकते हैं और साथ में अब उसको मालूम है कि मुझे कितने दिनों के अंदर सामान को आगे क्या करना है डिलीवर करना है। आगे विनिंग कंपनी आर दोस डेट एक्सील एट मैनेजिंग द कोर बिजनेस प्रोसेस, तो बोलता है विनिंग कंपनीज जो है जो मार्केट के अंदर सक्सेस अचीव करती हैं तो वो कंपनीज हैं जो बढ़िया तरीके से मैनेज करती है अपने कोर बिजनेस प्रोसेस को थ्रू क्रॉस फंक्शनल टीम्स के द्वारा। ओके हाँ जी, ये आगे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। अब बात आती है जी हमारे कोर कॉम्पिटेंसी का, अगर मैं बात करूँगा कोर कॉम्पिटेंसी, कोर मतलब जो मेरा मेन है, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या, मेरे अंदर एक ऐसी दक्षता जो भाई साहब मेरे ही पास है, मेरे अंदर एक ऐसी दक्षता है, मेरे अंदर एक ऐसी इंपॉर्टेंट, मेरे अंदर एक फीचर है जो मेरे ही पास है, बोले तो ये उसको बोलते हैं हम लोग क्या कोर कॉम्पिटेंसी, जिसको यूज करके मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करता हूं। देखिएगा जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चले, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक बनाने की मेरी कंपनी है, ठीक है, या छोड़ो कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, मेरा एसी बनाने का कंपनी है। अब मेरी जो एसी बनाने की कंपनी है उसके अंदर मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है और कोर कॉम्पिटेंसी ये है कि मेरे द्वारा जो बनाए गए एसी हैं, वो बड़े चिल्ड है, मतलब ये इमीडिएटली आप जैसे करेंगे चाहे आपका रूम का टेम्परेचर 42 डिग्री हो रहा हो लेकिन हमारे जो एसी है वो 12 मिनट्स के अंदर अंदर जो है आपके रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री पे ले आएंगे। मान लो एक मेरे पास में एक ऐसा मेरे पास टेक्नोलॉजी एसी है, वो टेक्नोलॉजी जो सिर्फ मेरे ही पास है डेट इज माई कोर कॉम्पिटेंसी, मेरे पास में वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है जिसके बेस पर मैं मार्केट के अंदर जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बोले तो मार्केट में प्रतियोगिता करूंगा, मार्केट में कॉम्पिटिशन करूंगा और वहां पर एडवांटेज गेन करूंगा क्योंकि बाकी किसी के पास में है नहीं। आ रही है समझ में? तो कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर जो मेरे पास में, उसको बोलते हैं आप लोग क्या कोर कॉम्पिटेंसी। ट्रेडिशनली कंपनीज ओन, पहले क्या होता था, कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज दैट एंटर्ड इनटू बिजनेस, लाइक लेबर खुद ही लगाते थे, मटेरियल खुद ही लेके आते थे, मशीनें खुद की होती थी, इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी, बट दिस सिचुएशन इज चेंजिंग। लेकिन आज की डेट में ये सिचुएशन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि देखो आज की डेट में सारा काम खुद करने की बजाय भाई साहब बहुत सारी आउटसोर्सिंग कंपनी आ गई है, आपको अपना पूरा ध्यान जो है वो ऐसी जगह लगाए ना जहां से आपको कुछ वर्थ निकल के है, आप ही सब काम करे जा रहे हो। जैसे मान लीजिए मेरा एकेडमी है, अब एकेडमी के अंदर अगर मान लो दो फ्लोर है, मैं खुद ही दोनों फ्लोर पे पोछे मार रहा हूं, मैं खुद ही दोनों फ्लोर पे डस्टिंग कर रहा हूं, खुद ही मैं सफाई कर रहा हूं, खुद ही नोट्स बना रहा हूं, खुद ही टाइपिंग कर रहा हूं, खुद ही पढ़ रहा हूं, फिर खुद ही पढ़ा रहा हूं, अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या मेरा क्या मैं सारा काम प्रॉपरली कर पाऊंगा क्या? नहीं सर। तो मैंने अपना क्या किया, मैंने पूरा टीम बनाया। अब मेरे पास में 8 लोगों की टीम है, 8 लोग हैं, हर एक का अपना एक काम डिफाइंड है। एक पर्सन है वो शिपिंग का काम करता है, एक पर्सन है वो सिर्फ कॉल अटेंड करने का काम करता है, एक पर्सन है वो डिलीवरी करने का काम करता है, एक मैंने जो है वो टाइपिंग के लिए बंदा रखा हुआ है, एक मैंने जो है एडिटिंग के लिए बंदा रखा हुआ है, एक बंदा कैमरामैन है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मैंने एक पूरा का पूरा क्या कर दिया, एक सिस्टम तैयार किया और मैं अब मेरा पूरा ध्यान किस पे लगाता हूं, सिर्फ पढ़ने पे, कंटेंट डेवलपमेंट करने पे और पढ़ाने पे। तो इसको बोलते हैं क्या कोर कॉम्पिटेंसी। तो आजकल सारा काम खुद करने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए और जो अदर एक्टिविटी है वो सारा काम आपको दूसरे लोगों को सौंप देना चाहिए और अपना काम दूसरे लोगों को सौंपना इज नोन एज अ आउटसोर्सिंग।
क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। तो बोलता है मैनी कंपनी टुडे, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो बोलता है मैनी कंपनी टुडे आउटसोर्स, बहुत सारी कंपनीज जो है आजकल क्या करती है, आउटसोर्स करती है लेस क्रिटिकल रिसोर्सेज को इफ दे कैन ऑब्टेन बेटर क्वालिटी और द लोअर कॉस्ट। इंडिया हैज डेवलप्ड ए रेपुटेशन एज ए कंट्री डेट कैन प्रोवाइड एम्पल आउटसोर्सिंग सपोर्ट। द की देन इज टू ओन एंड नर्चर द रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज डेट मेकअप द एसेंस ऑफ द बिजनेस। जैसे नाइकी की अगर हम बात करते हैं, इतना बड़ा ब्रांड है लेकिन उसका आज तक अपना एक भी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी यूनिट नहीं है, खुद नहीं बनाता, सारे औरों से बनवाता है, खुद का पूरा फोकस करते हैं किसके ऊपर, मार्केटिंग करने के ऊपर और बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाने के ऊपर। तो बोलता है नाइकी फॉर एग्जांपल डज नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन शूज बिकॉज सर्टेन एशियन मैन्युफैक्चरर्स आर मोर कॉम्पिटेंट इन दिस टास्क। इंस्टेड नाइकी क्या करता है, नर्चर करता है इट्स सुपीरियरिटी इन द शू डिजाइन एंड मर्केंडाइजिंग इट्स टू कोर कॉम्पिटेंसी। ये नाइकी की जो है वो दो मेन क्या है, दो कॉम्पिटेंसी है। और वो दो कॉम्पिटेंसी क्या, एक तो क्या करना, सुपीरियरिटी इन द शू डिजाइन, डिजाइनिंग का काम है, और एक क्या मर्केंडाइजिंग है, सामान को बेचने का काम करता है। तो ये इसकी क्या है, कोर कॉम्पिटेंसी है। इसके बाद आएगा जी आपका क्या, कोर कॉम्पिटेंसी है थ्री करेक्टरिस्टिक, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है उसके तीन करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला इट इज ए सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ये आपका सोर्स है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का। बोले तो कोर कॉम्पिटेंसी के बेस पर आप मार्केट में कॉम्पिटिशन कर सकते हैं और मार्केट में कंपटीशन करके विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोर कंपिटेंसी ऐसी है जो आपकी मेन, जो आपका फीचर है कोर कंपिटेंसी, उसी के बेस पर आप कंपटीशन करते हैं और आप जीतते हैं। तो बोलते हैं इट इज ए सोर्स, ये क्या है, ये एक सोर्स है किसका, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का, इन दैट इट मेक्स ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट। इट इज एप्लीकेशन इन ए वाइड वेराइटी ऑफ मार्केट, इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटेटर टू इमिटेट। और एक और कॉम्पिटेंसी है जो डिफिकल्ट है, किसके लिए, इमिटेट, मतलब आप उसकी जो है वो नकल कोई और पर्सन नहीं कर सकता। ओके हाँ जी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है, अब कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑल्सो एक्रू, वैसे तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब बता दूं, कॉम्पिटिशन में जो आपको एडवांटेज है, सारे लोग भाग रहे हैं, मेरे पास एक स्पेशल एडवांटेज है। और स्पेशल एडवांटेज क्या, कि एक एग्जांपल मान लो, सभी लोग बाइक की रेस लगे, सभी लोगों के पास में क्या है, या कार की रेस लगी मान लीजिए, सभी लोगों के पास में जो है वो कार है, मान लो मारुति 800, मेरे पास है i20। अब मेरी स्पीड, सभी लोगों की मैक्सिमम स्पीड 160 है, मेरी मैक्सिमम स्पीड 220 है, उनकी मैक्सिमम भागेगी 80, 90, 100 तक भागेगी, मेरी मैक्सिमम 170 पे भगा देता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास में कॉम्पिटेंसी है, अब मेरे पास एक एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कि वो जब तक भागेंगे तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। तो वो चीज जिसके बेस पर मैं कॉम्पिटिशन करूंगा और कॉम्पिटिशन में जीत भी जाऊंगा, डेट इज नोन एज अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। वो एक ऐसा पॉइंट जिसके बेस पर मैं कॉम्पिटिशन को क्या कर लूंगा, विजय प्राप्त कर लूंगा, डेट इज नोन एज अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑल्सो एक्रू टू कंपनीज डेट पोजेस डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी, वेयर एज कोर कॉम्पिटेंसी रेफर टू द एरिया, जबकि कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो एक ऐसा एरिया है ऑफ द स्पेशल टेक्निकल एंड द प्रोडक्शन एक्सपर्टाइज का। डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी डिस्क्राइब एक्सीलेंस इन ब्रॉडर बिजनेस प्रोसेस। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वैसे तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं ठीक है, लेकिन एक बार ना इसके अंदर एक पॉइंट है कस्टमर टच पॉइंट, मेरे को उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज देनी थी, और एक 1-to-1 जो मार्केट होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा बताना है आपको। चलो हम शुरू करते हैं। बोलता है सीआरएम क्या होता है, वैसे तो आप ही बताओ भाई सीआरएम क्या है। सर सीआरएम आपने हमको बताया था कस्टमर के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और उसको प्रॉपर वे में मैनेज करना ताकि कस्टमर लॉयलिटी बिल्डअप हो सके, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ में बढ़िया बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करना और उसको क्या करना, मैनेज करना, ताकि कस्टमर का लॉयलिटी बना रहे, कस्टमर जो है वो स्विच ना हो, उसी को बोलते हैं आप लोग क्या, सीआरएम। तो क्या बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है क्या करने का, ऑफ केयरफुली मैनेज करने का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, केयरफुली मैनेज करना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में, एंड ऑल द कस्टमर टच पॉइंट, और वो सारे के सारे टू मैक्सिमाइज द कस्टमर लॉयलिटी, जिससे आप कस्टमर की लॉयलिटी को क्या कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दोबारा बोलता हूं, सीआरएम एक प्रोसेस है क्या करने का, केयरफुली मैनेज करने का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को अबाउट, किसके बारे में, इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में, एंड ऑल द कस्टमर टच पॉइंट, और वो सारे कस्टमर के टच पॉइंट्स के बारे में, टू मैक्सिमाइज द कस्टमर लॉयलिटी। बट द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कस्टमर टच पॉइंट, कस्टमर टच पॉइंट क्या है, जब एक कस्टमर कंपनी के साथ में इंटरेक्ट होता है उन पॉइंट्स को बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट। जैसे आपने मुझसे फोन किया, आपने पहले मेरा कोर्स बाय करने के लिए मुझे फोन किया,
वो कस्टमर टच पॉइंट है। फिर आपने क्वेरी के लिए मुझे फोन किया, वो कस्टमर टच पॉइंट है। आपने स्टडी मेट के लिए कॉल किया, वो कस्टमर टच पॉइंट है। आपने कोई एमसीक्यू पूछने के लिए फोन किया, वो कस्टमर टच पॉइंट है। बोले तो कस्टमर टच पॉइंट आर ईच इंटरेक्शन, हर एक वो इंटरेक्शन जो किस किस के बीच में हुआ, बिटवीन योर कंपनी, आपकी कंपनी के बीच में एंड योर कस्टमर। तो कंपनी और कस्टमर के बीच में वो जो इंटरेक्शन होते हैं, दैट इंटरेक्शन आर नोन एज अ कस्टमर टच पॉइंट। ओके हां जी, चलो देखते हैं एक बार इसके लिए थोड़ा सा। जैसे ए कस्टमर टच पॉइंट इज एनी ओकेशन, कस्टमर टच पॉइंट कोई भी एक ऐसा ओकेशन ऑन विच ए कस्टमर एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब क्या, सामना होना, क्या हो रहा है, सामना हो रहा है दी ब्रांड, जिसमें कस्टमर का सामना होता है ब्रांड के साथ में एंड प्रोडक्ट के साथ में, फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस टू पर्सनल और मास कम्युनिकेशन टू कैजुअल ऑब्जर्वेशन। फॉर ए होटल, अगर हम होटल की बात करते हैं तो कस्टमर का सामना क्या क्या होता है, कौन कौन से ऐसे टच पॉइंट्स हैं जिसमें कस्टमर इंटरेक्ट करता है कंपनी के साथ में, इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन करवाएगा अपना, कमरा बुक करवाएगा तो वो इंटरेक्ट करेगा, फिर चेक इन जाएगा, चेकआउट वापस जाएगा, फ्रीक्वेंट स्टे प्रोग्राम, रूम सर्विस के लिए कंपनी से इंटरेक्ट करेगा, बिजनेस सर्विसेज के लिए कंपनी से इंटरेक्ट मतलब होटल से इंटरेक्ट करेगा, एक्सरसाइज फैसिलिटीज के लिए, जिम की फैसिलिटी कई बार होटल प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए भी क्या करेगा, होटल वाले से इंटरेक्ट करेगा, लॉन्ड्री सर्विस के लिए होटल वाले से इंटरेक्ट करेगा, रेस्टोरेंट के लिए होटल वाले से इंटरेक्ट करेगा, और होटल्स के अंदर कई बार बार्स भी होते हैं तो उनके लिए भी होटल वालों से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो ये सभी पॉइंट्स जहां पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किस किस के बीच में, कंपनी के बीच में और कस्टमर के बीच में, दीज पॉइंट्स आर नोन एज द कस्टमर टच पॉइंट्स। क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर टच पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोलो। हाँ जी सर, तो दो चीज जो आपको मेरे को पढ़ानी थी, एक तो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM बेसिकली है क्या, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम केयरफुली क्या करते हैं, मैनेज करते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में, और वो सारे पॉइंट्स, वो सारे टच पॉइंट्स को हम जो है वो कवर करते हैं, जिससे कस्टमर लॉयलिटी जो है वो क्या होती है, बिल्डअप होती है। और कस्टमर टच पॉइंट होता क्या है तो आपको मैंने बता दिया, कस्टमर टच पॉइंट वो सारे इंटरेक्शन बिटवीन किस किस के बीच में, कंपनी के और आपके कस्टमर के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कस्टमर टच पॉइंट। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रीडिंग का काम है, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा क्योंकि एग्जांपल्स हैं सारे के सारे। अब आपको आना है 1-to-1 मार्केटिंग पे। 1-to-1 मार्केटिंग मतलब जब कोई कंपनी जो है अपने हर एक कस्टमर को जो है वो तवज्जो देती है, हर एक कस्टमर को जो है इंडिविजुअलाइज हो जाती है वहां पे, वो तो हर कस्टमर के लिए सामान बनाना शुरू करती है, हर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना चाहती है, तो वहां पे CRM कैसे रोल प्ले करता है। तो बोलते सम ऑफ द ग्राउंड वर्क फॉर द CRM वाज लेड डाउन बाय द डॉन पीपर्स एंड द मार्था रोजर्स। पीपर्स एंड रोजर्स आउटलाइन ए 4-step, पीपर एंड रोजर्स ने जो है वो 4-step फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। थोड़ा सा क्रेमिंग करना पड़ेगा। 1-to-1 मार्केटिंग के अंदर जो है CRM को कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग, उसके लिए 4-step का फ्रेमवर्क है, वो है सबसे पहला क्या, आइडेंटिफाई योर प्रोस्पेक्ट, आइडेंटिफाई करो योर प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर। सबसे पहले आपका जो मेन टास्क है वो क्या, आइडेंटिफाई करें आप अपने प्रोस्पेक्ट को एंड कस्टमर को। ठीक है, बोले तो कस्टमर जो एक्चुअल में आपका सामान परचेस कर रहा है अभी, और प्रोस्पेक्ट जो आपको लगता है कि जो आपका सामान परचेस कर सकता है, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो। डोंट गो आफ्टर एवरीवन, बिल्ड करें मेंटेन करें एंड माइन करें ए रिच कस्टमर डेटाबेस। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बढ़िया कस्टमर डेटाबेस को बिल्ड करना पड़ेगा विद इंफॉर्मेशन विच आर डिराइव फ्रॉम ऑल द चैनल एंड द कस्टमर टच पॉइंट। दूसरे नंबर पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करें कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ देयर नीड एंड देयर वैल्यू टू योर कंपनी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को जो है वो उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके बेस पर, नीड के बेस पर एंड वैल्यू टू योर कंपनी के बेस पर। देन आपको क्या करना है, इंटरेक्ट करेंगे विद द इंडिविजुअल कस्टमर, हर कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन करेंगे और उसे जानना चाहेंगे कि कस्टमर की नीड और वांट्स क्या है, टू इंप्रूव योर नॉलेज अबाउट द इंडिविजुअल नीड एंड टू बिल्ड द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। एंड एट द एंड में क्या करेंगे, जब आपको मालूम हो गया कि हर कस्टमर क्या चाहता है तो उसके बेस पर सामान को क्या करेंगे, बनाएंगे। सो बोलता है कस्टमाइज करेंगे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को एंड मैसेजेस को टू ईच द कस्टमर। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, 1-to-1 मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो है CRM को इस तरीके से मैनेज करते हैं। क्या क्या है टास्क, एक बार हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे तो जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करें योर प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर। दूसरे पे डिफरेंशिएट करें कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ देयर नीड एंड द वैल्यू। फिर इंटरेक्ट करें विद इंडिविजुअल कस्टमर, हर इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन करें टू इंप्रूव योर नॉलेज अबाउट देयर इंडिविजुअल नीड क्या है उनकी एंड बिल्ड करें स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। एंड देन जब आपको मालूम चल गया हर कस्टमर चाहता है, देन उसके बेस पर आप अपने सामान को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, कस्टमाइज करें अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को एंड मैसेज को टू ईच कस्टमर।
ओके हाँ जी, वैसे तो सीआरएम हमने पढ़ लिया था बट ये करवाना थोड़ा जरूरी था। लो जी अपना ये भी कंप्लीट हो गया, तो इसको कीजिए, बाकी का जो है वो करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।